रबिया खालिद आर के बेस्ट फ्रेंड से। और क्या कहते हैं, आज का मेरा ब्लॉग इतने दिनों बाद आया है, तो आज मैं अभी कुछ ब्लॉग करके आई हूँ। और आज मैं बना रही हूँ तली हुई भिंडी और आलू चावल। माशा वैसे गोश्त खा खा के हम लोग थक गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत सारा गोश्त दिया। और अभी मैंने बनाया है कस्टर्ड, जिसके अंदर मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगी जो कि आप लोग जानते हैं उसको खूबसूरत बनाने के लिए होती है। और इसके अलावा अभी मैंने जो है वो भिंडी कट करी है। यहाँ पर मैंने अपनी भिंडी जो है वो कट करके रख ली है, और यहाँ पर मेरी चाय और रेडी हो चुकी है। तो इसके बाद इंशाल्लाह मैं भिंडी चढ़ाती हूँ, ठीक है। और बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से कटी हुई है। और वैसे तो लोग सब्ज़ी का जो एक तख्ता होता है ना, उस पर भिंडी काटते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाथों से बहुत तेज़ी के साथ माशाल्लाह से काट लेती हूँ। इसके बाद जो है वो मैंने अपना तारी का जो है, यानी कि ताहिरी का सामान, यानी कि आलू चावल और भिंडी की कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने सही है ना वो रख ली हैं, और अब मैं स्टार्ट करूँगी। इसके बाद मैं थोड़ी देर पढ़ूँगी। आलू चावल यानी कि ताहिरी का मसाला माशाल्लाह से, और यहाँ पर जो है मेरा भिंडी का फ्राई भिंडी का जो है वो मसाला भिंडी रेडी है, ठीक है। यहाँ पर मैं हमेशा से डालती हूँ पिसी जो है या तो लाल मिर्च, या फिर मैं इसमें डालती हूँ लाल साबुत मिर्च, लेकिन आज मैंने इसमें फूटी मिर्च डाली तो अलग ही खट्टा वाला टेस्ट आ रहा है माशाल्लाह से। और इसमें जो है मैंने काली मिर्च हमेशा साबुत डालती हूँ, लेकिन आज मैंने जो है वो पिसी जो है काली मिर्च डाली है, ठीक है। ये चलने के लिए इसमें दालचीनी भी मैंने डाली है आज, ठीक है ना, और बादाम के फूल भी डाले। और अब यहाँ पर जो है